पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक का नमस्कार और अरुण पांडे जी आपको भी नमस्कार श्रोताओं को अरुण पांडे का नमस्कार और पांडुरंग जी आपको भी नमस्कार अरुण पांडे जी हर बार की तरह श्रोताओं के जो ईमेल थे उनको हमको अपने गंतव्य तक पहुंचाना पड़ा क्योंकि जी यानी बहुत सारे श्रोता अभी हाँ। भी हैं जो फरमाइशी मेल भेज रहे हैं और मौसम बदलाव का है और श्रोता भी बहुत सारे जो फोन इन कार्यक्रम है उसमें और कभी कभी व्हाट्सअप वगैरह में भी मैसेजेज में, में बदलाव की मांग करते रहते हुँ, हैं हुँ, हुँ, हुँ। और मौसम भी बदल रहा है तो हम लोग के कार्यक्रमों में भी श्रोताओं की मांग और मंशा के अनुरूप तब्दीलियां होती रहती है बिल्कुल तो कुछ परिवर्तन एक नवम्बर से होने जा रहे जी उनके बारे में हम बता रहे श्रोताओं को ये लग रहा था कि समाचार की अवधि बहुत लंबी लंबी होती है जी और जी कई बार समाचार आते और जैसे हैं जैसे दोपहर में पूरा एक घंटा सुबह भी और शाम को भी तो बहुत आए जो श्रोता है जो काम का रोजी रोटी में लगे रहते हैं उन्हें मनोरंजन प्रिय श्रोता है वो सोचते हैं कि कुछ गीत संगीत होता तो आ, उनको ज्यादा लुत्फ आता काम के साथ तालमेल बनाए रखने में तो समाचारों में जो परिवर्तन हो रहा है वो सवेरे जो आठ बजे का समाचार प्रभात है वो अब आठ बजे से आठ बजकर पंद्रह मिनट तक प्रसारित होगा और आठ बजकर पंद्रह मिनट से आठ बजकर तीस मिनट तक मॉर्निंग न्यूज यानी अंग्रेजी समाचार प्रसारित होंगे श्रोताओं की ये आ, आ, मांग जैसे से हम लोग के आदाश्त में भी है ये सारे समाचार पहले दस दस मिनट के थे फिर पंद्रह मिनट के हुए और ये हाल में ही कुछ वर्ष पहले पूरे आधे आधे घंटे के होने लगे तो वापस फिर से बहुत सारे श्रोताओं के स्मरण में होगा कि पन्द्रह पन्द्रह मिनट का न्यूज बुलेटिन आठ से सवा आठ और सवा आठ से साढ़े आठ का हो गया है। बिल्कुल तो कुछ श्रोताओं ने जैसा कहा था कि साढ़े आठ बजे का अंग्रेजी समाचार आपने बंद कर दिया सुबह वाला तो उनके लिए शुभ सूचना की सवा आठ बजे अंग्रेजी हिंदी ये दोनों ही बुलेटिन रूप से सुबह सुन सकेंगे एक तारीख से और एक नवंबर से ही दोपहर में जो दो बजे समाचार सुनते हैं मिड डे न्यूज वो भी अब पंद्रह मिनट का होगा और दो बजकर पंद्रह मिनट पर दोपहर समाचार आप सुनेंगे पंद्रह मिनट की अवधि का जी रात में जो आठ बजे समाचार संध्या प्रसारित होता था वो अरुण जी आपको याद होगा पौने नौ बजे आकाशवाणी के समाचार का बड़ा निश्चित समय हुआ करता था बड़ा लोकप्रिय जो हम लोगों ने शुरुआत की थी उस समय भी नब्बे के दशक में ये समय वही हुआ करता था रात में पौने नौ बजे का तो वही समय फिर लौट आया है अब हमारा जो समाचार संध्या है वो रात को आठ बजकर पैतालीस मिनट से नौ बजे तक और नौ बजे न्यूज एट नाइन पंद्रह मिनट के अवधि का प्रसारित होगा इसके अलावा भी कुछ समाचार जो 10 मिनट के आते थे उनकी अवधि भी अब लगभग पांच मिनट की हो गई है वो श्रोता कार्यक्रमों के साथ जुड़े रहेंगे सुने और रहेंगे सुनेंगे तो उनको इसके बारे में जानकारी अपडेटेड होते रहेगी सुरबहार कार्यक्रम हम शुक्रवार और शनिवार को एक बजकर पंद्रह मिनट से एक बजकर पैंतालीस पंधा मिनट तक प्रसारित करते थे शास्त्रीय संगीत पर आधारित और वो कार्यक्रम अब प्रसारित होगा शुक्रवार और शनिवार को ही दोपहर दो बजकर तीस मिनट से तीन बजे तक जी और महिलाओं को थोड़ी शिकायत हो गई थी कि हमारे कार्यक्रम कम कर दिए गए हैं तो महिलाओं के लिए यह शुभ सूचना है कि शुक्रवार को गृहलक्ष्मी कार्यक्रम एक बजकर पंद्रह मिनट से और शनिवार को अंगनैया कार्यक्रम एक बजकर पंद्रह मिनट से आएगा यानी सोम बुध शुक्र को गृहलक्ष्मी और मंगल गुरु शनि को अंगनैया कार्यक्रम प्रसारित होगा कार्यक्रम जैसा कि पहले नियमित रूप से हो रहा था इस कार्यक्रम का प्रसारण सवा एक बजे से आराधना कार्यक्रम अब छह बजकर मिनट से छह बजकर चालीस मिनट तक प्रसारित होगा विचार बिंदु कार्यक्रम जो आप पहले छह बजकर पैंतीस मिनट पर सुना करते थे अब वो छह बजकर पचास मिनट से छह बजकर पचपन मिनट तक होगा और सात बजे कार्यक्रम विवरण आप सुन सकते हैं शास्त्रीय संगीत फिलहाल हम आपको रात में भी सुनवाने जा रहे हैं आठ बजे से लेकर साढ़े आठ बजे तक और साढ़े आठ बजे आपका फिल्म संगीत का पुराना कार्यक्रम रस माधुरी हम लौटा ला रहे हैं तो जो एक मोटा मोटी परिवर्तन हुआ है वो ये है श्रोता इसके साथ जुड़ेंगे और श्रोताओं को आनंद भी आएगा और उसके लिए आनंद के बारे में हम लोग ये कहें कि वो हमसे जरूर राबता कायम करेंगे बताए कि उन्हें यह परिवर्तन कैसे लगे पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम में भी कुछ तब्दीलियां हुई हैं जैसे श्रोता मांग कर रहे थे कि कई श्रोता हैं जो शाम के समय खासतौर से उस वक्त सात बजे का जो समय होता है शुक्रवार का वो नहीं सुन पाते हैं जी, जी। तो हम ये कह रहे थे कि पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम अब प्रत्येक रविवार को दोपहर दो, दो बजकर तीस मिनट से दो बजकर पैंतालीस मिनट तक प्रसारित होगा और उसका पुनर्प्रसारण हम शुक्रवार के शाम को सात बजे से सात बजकर पंद्रह मिनट तक इसका मतलब यह हुआ कि अब किसी श्रोता को शिकायत नहीं रहेगी कि हम उस वक्त नहीं रहते हैं या फिर तो रविवार का दिन है छुट्टी का भी दिन बहुत आयत श्रोताओं का होता है घर में सभी लोग रहते हैं तो आराम से सुन सकते हैं और जो श्रोता शाम के समय वक्त निकाल पाते हैं वो शुक्रवार को शाम को वर्तमान जैसा समय है उसी समय सुन सकते हैं बिल्कुल तो चलिए पत्रों को लेते हैं जो ई मेल श्रोताओं के आकाशवाणी के हमारे नियमित श्रोता है अनिल कुमार गुप्ता गोंड और रमा गुप्ता गोंड अशोक विहार कॉलोनी फेस टू पहाड़िया वाराणसी से इन्होंने ये पत्र बड़ा अच्छा टाइप करके भेजा हुआ है जी इन्होंने लिखा है कि हमें विश्वास है कि आप सब कुशल होंगे हम भी आ, स्वस्थ हैं आकाशवाणी वाराणसी के जो कार्यक्रम हैं इस समय हमें बे इंतहा पसंद आ रहे हैं सभी प्रस्तुत कर्ताओं को हृदय से धन्यवाद और शुभकामनाएं अभी हाल में आ, अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में स्वतंत्रता के जी, एक क्रांतिकारियों से जुड़ा स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़ा कार्यक्रम प्रसारित हुआ था रूपक जी, तो उसमें हमारी भी आवास थी और सना सलीम की भी आवास थी जी, वो कार्यक्रम इन्हें बहुत ही ज्ञानवर्धक और रोचक लगा बहुत ही अच्छी जानकारी दी गई थी तो आप सब बधाई के पात्र हैं तो आपकी बधाई पांडुरंग जी रूबरू हैं उन तक पहुंच रही है और कार्यक्रम के प्रस्तोताओं तक भी आपकी बधाई पहुंच रही है जी आ, सना सलीम भी इसमें थी इसके अलावा ये लिख रहे हैं कि अरुण जी जैसे गांधी चर्चा हेलो फोन इंड फरमाइश कार्यक्रम या कोई भी सूचनाएं होती हैं जो जरूरी सूचनाएं होती हैं वो आ, हमें प्रभावित करती हैं हमें रोचक लगती हैं और हमारे व्यक्तित्व को निखारती हैं अरुण जी को भी शुभकामनाएं तो बहुत बहुत आभार आपका ये तमाम प्रोग्राम और सूचनाएं आपको पसंद आती हैं तो हम लोगों को इससे प्रेरणा मिलती है कि हम भविष्य में आपके लिए और बेहतर तरीके से प्रसारण लेकर के आ सकें इन्होंने लिखा है कि कुछ लोगों को विज्ञापन से शिकायत होती है जी जी लेकिन हमारा ये कहना है कि आकाशवाणी के राजस्व अर्जन में विज्ञापन बहुत महत्वपूर्ण योगदान करते हैं और कार्यक्रमों को उत्कृष्ट बनाने में यह मददगार साबित भी होते हैं इस लिहाज से कि किसी भी कार्यक्रम की लोकप्रियता उसको चाहने वालों पर निर्भर करती है और विज्ञापनदाता भी ये देखते हैं कि केंद्र को कितना लोग पसंद कर रहे हैं इसके किस कार्यक्रम को कितना पसंद कर रहे हैं और उसी कार्यक्रम में जिस तरह से आप अन्य मीडिया के माध्यमों में वो चाहे समाचार पत्र हो टीवी के चैनल हो वहां आप देखते होंगे कि जो कार्यक्रम या जो चैनल जितना लोकप्रिय होता है वहां पर विज्ञापन उतने ज्यादा होते हैं और राजस्व की तक आपने बात कही तो जीवन में अर्थ की महत्ता व्यक्तिगत जीवन हो या किसी संस्थान हो जी। आ, हर जगह होती है तो उसकी महत्ता से हम वर्तमान में इनकार बिल्कुल नहीं कर सकते इन्होंने लिखा है कि मुझे तो विज्ञापन जैसे भोजन में आचार या चटनी होती है वो जैसा आनंद उसको वैसा ही लेना चाहिए और विज्ञापनों से भी बहुत सारी जानकारी वो चाहे किसी प्रोडक्ट के बारे में हो या किसी सेवा के बारे में हो और बहुत सारे सरकारी जो विज्ञापन आते हैं जैसे डायल हंड्रेड ट्वेल्व का विज्ञापन आ रहा है इन दिनों और बहुत सारे सड़क सुरक्षा से जुड़े विज्ञापन आते हैं तो बहुत से विज्ञापन ऐसे से जुड़े विज्ञापन है जो, जो आपको किसी भी फ्रॉड से बचाने के लिए करते हैं आजकल बहुत तरह की घटनाएं हो रही है तो विज्ञापनों का भी एक अलग पहलू है जिससे हम जानकारी छोटे छोटे उसमें स्पॉट्स में ज्ञात करके और उससे लाभ उठा सकते हैं जीवन को और इसकी बातों को हम बेहतर बना सकते हैं इन्होंने एक सुझाव दिया है जी ये लिखते हैं कि आकाशवाणी वाराणसी से हम ये निवेदन करेंगे कि आप नवोदित कलाकारों को जो शास्त्रीय संगीत से जुड़े कलाकार हैं जैसे तबला बजाने वाले हारमोनियम गायन वाले उन नवोदित कलाकारों को भी आप प्लेटफॉर्म जरूर हमारे यहाँ युवाणी में कुछ वर्षो पहले तक इस तरह के कार्यक्रम होते थे और ये कार्यक्रम जैसे हम ये कहें कि बंद नहीं किए गए हैं लेकिन अगर किसी में ऐसा कोई हुनर है और कोई प्रतिभा है तो हमारे युवाणी अनुभाग में आकर के उस तरह के नवोदित जो कलाकार हैं अगर वो चाहते हैं रेडियो से जुड़ना तो वो आकाशवाणी से जुड़ सकते हैं युवाणी अनुभाग में आकर जो संबंधित अनुभाग अधिकारी हैं उनसे संपर्क करें और हमें उम्मीद है और हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आपको जरूर अवसर प्राप्त हो इन्होंने लिखा है कि जो बड़े बड़े कलाकार हैं बड़ी बड़ी हस्तियां हैं वो भी आकाशवाणी के माध्यम से ही सेलिब्रिटी बनी है जो तो जी हमारे जी। निवेदन पर जरूर ध्यान दी ये तो अवश्य इस बात में कोई इनकार नहीं है कि कला साहित्य संस्कृति की जो हमारी एक करीब अस्सी से ज्यादा वर्षो की परंपरा रही है उसमें बहुत सारे कलाकार बहुत सारे जो हस्तियां हैं वो रेडियो से जुड़ी रही है और रेडियो ने उन्हें मकाम दिया और हम भी उस तरह की हस्तियों की प्रतिभाओं से समृद्ध हुए हैं आगे ये लिख रहे हैं कि व्हाट्सएप पर आधारित आपने लोक रंग कर दिया है ये अच्छा लग रहा है शाम को अशोक पांडे जी कभी कभी अच्छी अच्छी ज्ञानवर्धक बातें जी मार्गदर्शन में लेकर आते हैं उसके अलावा हम और हमारा स्वास्थ्य में वो जागरूक करते हैं इसके लिए उनको भी धन्यवाद पीकेएलडी जो है कार्यक्रम अब वो ईमेल से जवाब देने वाला ही कार्यक्रम नहीं बल्कि वो बहुत ही इंटरेस्टिंग उत्सुकता बढ़ाने वाला और आनंददायक हो गया है और आप लोगों की आवाज तो बहुत सम्मोहित करती है दोनों को हमारा आभार तो हम लोग बहुत बहुत शुक्रिया कहते हैं और साथ ही ये कहते हैं कि आप जैसे श्रोता है जो नियमित रूप ऐसी जैसा की मैं सामने स्क्रीन पर देख रहा हूँ की आपने बहुत ही विस्तार से और हम जानते हैं कि इतना आपको हिंदी टाइप करने में काफी वक्त भी लगता है तो और कार्यक्रमों को याद करके नोट करना उनकी अच्छाई बुराई को इकट्ठा करना और फिर उसे एक सिलसिले से लिख करके हम तक पहुंचाना यह भी काबिले तारीफ बात है और हम आपकी इसके लिए प्रशंसा करते हैं अंत में इन्होंने लिखा है कि भरत मिलाप के बारे में पहले भी मैंने आपको लिखा था कमेंट्री में आप और अच्छे उपकरणों को शामिल कीजिए अच्छी क्वालिटी का प्रसारण दीजिए यह सभी श्रोताओं के लिए अच्छा होगा इस पर भी हम उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब ऐसा कोई प्रसार कारण होगा तो आपको इस तरह की शिकायत का अवसर नहीं मिलेगा क्योंकि हम सब ने इस बारे में गौर किया है कि ये बिल्कुल थोड़ा सा अटपटा लगता है कि इतने आधुनिक युग में भी हम बारिश हो जाए या कि नहीं इस तरह के कारण हो जाए और प्रसारण आपको बिल्कुल सुगमता से न मिले या अच्छी गुणवत्ता का न मिले तो हमें भी तकलीफ होती है क्योंकि जो मैन पावर है जो हमारे साथी हैं वो उतनी ही तादाद में उतना ही वक्त देते हैं लेकिन प्रसारण अच्छा हो हम सबका यह प्रयास निःसंदेह होना चाहिए बहुत शुक्रिया इस मेल के लिए आपको इतने विस्तार से लिखा सुरेश प्रसाद जायसवाल उर्मिला दीपक और स्वाति जायसवाल ने जमानिया गाजीपुर से ये मेल भेजा है जी। ये लिखते हैं कि 28 अक्टूबर उन्नीस को आकाशवाणी वाराणसी केंद्र से प्रसारण की शुरुआत हुई थी और आज स्थापना दिवस है अट्ठाईस अक्टूबर को साठवीं वर्षगांठ बड़ी धूमधाम से आ, मनाएगा आकाशवाणी वाराणसी केंद्र ये हमें विश्वास है हमारी ओर से पूरे आकाशवाणी परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं हम सन उन्नीस से आपके कार्यक्रम सुन रहे हैं जो भी बदलाव आपके हो रहे हैं सब हमें अच्छा लग रहा है और अब आकाशवाणी वाराणसी केंद्र सभी प्रदेशों में ऐप के माध्यम से सुना जा रहा है कार्यक्रमों की लोकप्रियता में आप सभी का उद्घोषकों का प्रस्तुतकर्ताओं का बहुत योगदान है हमारी प्रार्थना है ईश्वर से कि आप सबको बुलंदियों पर पहुंचाए हमारा मनोरंजन होता रहे और आप सब ऐसे ही हमसे जुड़े रहें सुरेश जायसवाल जी बहुत ही नियमित रूप से हमारे तमाम कार्यक्रमों में आप जुड़ते हैं और आपने हमारे जो स्थापना दिवस है उसको याद रखा हम बहुत बहुत शुक्रिया कह रहे हैं आपको और साथ ही इस संदर्भ में ये कहें कि हमारे तमाम सुनने वालों ने जो वर्षों से हमारा साथ निभाया है सक्रियता के साथ उनका बहुत बड़ा योगदान है हमारे इस रेडियो चैनल की लोकप्रियता में और इसकी पहुंच में तो उन सभी को इस अवसर पर हम पांडुरंग जी हार्दिक बधाइयां दे रहे हैं बहुत शुभकामनाएं है उनको कह रहे हैं और साथ ही कह रहे हैं कि देखिए तकनीक बदलता हुआ दौर है तो हमारे साथ रहें साथ बनाए रखें अब तो हम ऐप पर एफ पर और मीडियम वेब के साथ साथ हैं उपलब्ध हैं और यू चैनल भी हमारा है जहां पर आपको कई चुनिंदा कार्यक्रम प्रसारण के उपरांत भी सुनने को मिल जाते हैं तो समय बदल रहा है समय के साथ हम भी बदल रहे हैं और साथ ही उम्मीद करते हैं कि आपका साथ यूं ही आने वाले वर्षों तक हमारा बना रहेगा और हम यूं ही बेहतर प्रस्तुतियां आपके लिए लेकर आएंगे सुरेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद इस मेल के लिए ईदगाह रामनगर से सोनू अंसारी हबीब अंसारी और लंबे बाबू खान हमें लिख रहे हैं कि सोमवार से शनिवार तक जो भी आपके फरमाइश वाले कार्यक्रम हैं साढ़े ग्यारह से आप प्रसारित करते हैं उनको आप यदि ग्यारह बजे से बारह बजे तक प्रसारित करना शुरू करें तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा इस तरह की बहुत सारी बातें अक्सर आती है जैसे पत्र के लिए धन्यवाद के बारे में भी बातें आती है खासतौर से कई दिन जो ग्यारह मुझे एक, एक कहकशा कार्यक्रम है फिर हमारे यहाँ बाल संघ कार्यक्रम है तो एक तारतम्यता बनी हुई है वर्तमान में जो स्थिति है भविष्य में अगर कोई परिवर्तन हुआ और ऐसी कोई स्थिति बनी तो आपकी इन बातों पर जैसा हम लोग हमेशा की तरह गौर करते हैं तो आगे भी इसका ख्याल रखेंगे कोई गुंजाइश हुई तो जरूर आपकी ये ख्वाहिश भी हम पूरी करेंगे बहुत शुक्रिया इस मेल के लिए असगर अली जी ने हमें ये श्योपुर वाराणसी से मेल भेजा है इन्होंने लिखा है कि छह अक्टूबर को ज्योति स्वरूप ने कार्यक्रम जय भारती पेश किया था हमें बहुत अच्छा लगा माँ तुझे सलाम का गाना बजाया गया था जो हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायक रहा कहकशा कार्यक्रम में जो गजलें सुनाई गई वो गजलें हमें बहुत ही अच्छी लगी बहुत खूबसूरत गजलें थीं साढ़े ग्यारह बजे अनुपम जी ने फरमाइशी कार्यक्रम पेश किया ये भी अच्छा था ग्यारह अक्टूबर को कमलेश ने कहकशा कार्यक्रम पेश किया था उनमें भी गजलों का चुनाव बहुत ही अच्छा था कमलेश वर्मा द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम मैं बहुत पसंद करता हूँ उनके पेश करने का तरीका हमें अच्छा लगता है उनकी आवाज भी अच्छी लगती है और साढ़े ग्यारह बजे जो फरमाइशी कार्यक्रम व्हाट्सएप पर आधारित था उसमें गाने कम बजे और नाम अधिक शामिल थे आ, स्पीड जो होती है आप लोगों की वो हवाई जहाज की तरह होती है और इस, इसकी तारीफ करना तो नामुमकिन है बस तहे दिल से सलाम <laughs> तो अभी आपको इतने विस्तार से आपने अब मेल लिखा कई कार्यक्रमों का जिक्र किया असगर जी और आप नियमित रूप से हमारे खास तौर से फोन इन कार्यक्रम में और इस कार्यक्रम में आपकी जो सहभागिता है वो बनी रहती है इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं आपके और तमाम जो कार्यक्रम है कमलेश द्वारा प्रस्तुत आपको पसंद आए ज्योति स्वरूप जी का भी कार्यक्रम आपको पसंद आया आपकी बधाई हमारे साथी को तक पहुंच रही है इन्होंने 15 अक्टूबर को कीर्ति ने जो कार्यक्रम पेश किया था मधुरिमा वो अच्छा लगा और गुड मॉर्निंग बनारस कार्यक्रम हम सुनते रहते हैं नए नए लोग इसको पेश करते हैं सना सलीम भी जो कार्यक्रम पेश करती है वो भी हमें अच्छा लगता है तो इन सारे लोगों को हम बधाई दे रहे हैं और ये बा... लिख रहे हैं कि जो कार्यक्रम सिर्फ पंद्रह मिनट का होता है और उसमें मटेरियल कम होता है नाम अधिक होते हैं तो थोड़ा लगता है कि समय जाया जी, जी, हो रहा है जी जी इस पर कैसे नियंत्रण किया जाता तो नाम तो हम लोग अपने से उसको उत्पन्न नहीं करते हमारे श्रोताओं से हम बार बार गुजारिश करते हैं हमारे इन्हीं श्रोताओं में से बहुत सारे श्रोता हैं जो एक साथ दस दस बारह बारह जगहों की फरमाइशें भेजते हैं तो ये श्रोताओं पर भी बहुत हद तक है अगर प्रत्येक श्रोता पूरे कार्यक्रम में एक बार तीन चार नामों के साथ हमें संदेश भेजे तो निःसंदेह आपको सारे के सारे गाने पूरे सुनने को मिलेंगे तो ये आप पर भी है फिलहाल इस के लिए हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं बहुत सारे श्रोताओं के मेल हमारे पास अभी हैं, सुरक्षित रख लेते हैं अब विदा लेते हैं कहते हैं नमस्कार, नमस्कार।